वेलकम बैक गाइस, दिस इज प्रशांत, यू आर वाचिंग रोड एंड व्हील्स। और अभी समय दोपहर का 1 बज चुका है और अब जाके हम आज का जो है ना इधर से घूमना फिरना शुरू करेंगे। क्योंकि देखो यार, जब हम एक रिलैक्सिंग जगह पे आए हुए हैं ना, तो फिर अच्छे से आराम से एक्सप्लोर करना है, यहाँ पे बैठना है, ठंडे ठंडे हवाओं का आनंद लेना है मीठी मीठी धूप में बैठ के। तो होटल से निकलने के बाद ना हमें बस थोड़ी सी ट्रेक करके होटल से ही जाना है एक वाटरफॉल। वाटरफॉल का नाम है भागसुनाग। और देखो यार, थोड़ी सी चढ़ाने में सांस फूलने लगी। देखो प्रशांत, स्लिप करते हुए नीचे मत चले जाना। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, पकड़ लेंगे। लिक्विड बनेगा तगड़ा। और ये मैं गिर गया। और थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद ना कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है और थोड़ी सांसें भी फूलने लगी हैं, बट कोई नहीं, हम करेंगे पूरा। सो आप देखो वाटरफॉल सामने। भाई लोग, ऐसा बहुत कम बार होता है जब आप मुझे ट्रेक करते देख पाते हो, और उस कम बार में आज एक बार वैसा है। लेकिन लिटरली आज मज़ा आ रहा है, क्योंकि जो ठंडे ठंडे हवा चल रहा है ना, वो सारी थकान दूर भगा दे रहा है। और ख़ास करके ये वाला व्यू, जब हल्का सा भी थक जाते हैं ये वाला व्यू देख लेते हैं ना, सारी थकान अचानक से नहीं पता कहाँ गायब हो जाती है भाई। और ट्रिक करना है हमें शिवा कैफे जाने के लिए, और वापस उतरते वक्त हम लोग जाएंगे वाटरफॉल की ओर। और अपनी सारी मंडली इधर है, निकलना पड़ेगा वो मंडली लोग। हेलो, जब सो फाइनली हम लोग इतना ज़्यादा थकने वकने के बाद, चढ़ने के बाद एक ज़बरदस्त वाला लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। वो है ये शिवा कैफे। एंड देन अभी एक घंटा ना बिल्कुल आराम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि गद्दे गद्दे वद्दे पड़े सो जाएंगे आराम। गद्दे वद्दे पड़े हैं सो जाएंगे। सही बात है यार पूरा। और अभी जो आपने शॉट देखा ना, उसके लिए मेरा कैमरा 2-3 जगह बिखरा पड़ा है। तो सबसे पहले हम अपना कैमरा उठा के लाते हैं हर एक जगह से। Yeah.
तो ऐसे नज़ारे में बैठ के ना इधर पिज़्ज़ा का आनंद लिया जा रहा है। आज इधर आयुष भाई, ये इधर के लोकल बंदे हैं, आप इनका आना जाना लगा रहता है। और ये ना ट्रेकर वाले लोग हैं, हम लोग राइडर वाले लोग हैं, ये लोग ट्रेक करते हैं, वो हमसे ना हो पाएगा। अभी टेबल पे पिज़्ज़ा ये सब ख़त्म करते हैं और निकलते हैं हम लोग वाटरफॉल की ओर। अब हम निकल रहे हैं वापस नीचे की ओर, नीचे वाटरफॉल देखते हुए हमें निकलना है अपने होटल रूम। और आज जो भी सारा कुछ है ना वो पैक वैक करके डाल ही देंगे, ताकि कल सुबह सुबह हम मनाली की तरफ बाइक राइड फिर से स्टार्ट होगा। दो दिन का लीजर टाइम था हमारा मैक्लियोडगंज में, और ज़बरदस्त सी जगह थी ये मैक्लियोडगंज। कल फिर से हमारा बाइक राइड स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके अलग ही मज़े हैं। कल मिलते हैं रोड पे। तो नीचे उतर के ये जो लोकेशन है यहाँ पे हम पहुँच गए, ये है बाक्सोनाग वाटरफॉल। भाई का कैमरा मेरे हाथों में और पीछे है बक्सुनाथ वाटरफॉल, और इस फॉल के पास हो चुकी है एक छोटी सी इंसिडेंट। तो बस पता नहीं कैमरे में कैप्चर हुआ या नहीं, लेकिन यार ये जो फॉल है ना बहुत ही अल्टीमेट फॉल है यार, बड़ा मज़ा आ रहा है देख करके। शाम ढल चुकी है और अब जाना होगा हमें होटल। तो जितने मज़े से पहुँचा था ना, उतनी ही ज़बरदस्त लोकेशन के साथ हम दूसरे लोकेशन से वापस की ओर जा रहे हैं। तो सही है भाई, नज़ारा तो एक नंबर। ओहो, ये खूबसूरती, ये शांति, यही इसी चीज़ के लिए तो हम लोग आते हैं पहाड़ों की ओर। जो छोटा सा ट्रेक करके हम लोग ऊपर गए थे, एक सर्कल मार के हम नीचे मार्केट की तरफ आए। ये है बक्सुनाग टेम्पल, ये भी एक मैक्लियोडगंज में एक अच्छा लोकेशन है। और इधर अच्छी अच्छी चीज़ें आप जैसा कि देखो इधर ना कुछ भी आप ले सकते हो, अगर आपको मन है कुछ लेके जाने को अपने मेमोरीज के लिए तो आप देख सकते हो ये सभी चीज़ें। अयान, तो अयान YouTube देखते हो? Yes. चलो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैक्लियोडगंज की गलियों में ना घूमते घूमते और भी दोस्त बनाते जा रहे हैं, और अयान भाई से मिल गए। आप यहाँ के हो, मैक्लियोडगंज की, क्या घूमने आए हो? नहीं, यहाँ से। ओह वाओ, इज आउट ऑफ द शॉप। ओके, तो शॉप का नाम क्या है? शॉप का नाम है जर्मन बेकरी के अपोजिट में। क्या है जर्मन बेकरी के अपोजिट में? सो गाइज, आपने देखा कि आज कितनी जबरदस्त सा सीन हुआ। आज ट्रेकिंग भी हुआ, आज वाटरफॉल भी गया, और खास करके वो जो प्लेस था ना सिवा कैफे, वो मतलब चार चांद लगा दिया आज के दिन के लिए। आज का दिन है ना सिवा कैफे के नाम। बस अब एक काम बचा रह गया आज का, कल के लिए तैयारी करना, और कल का पैकिंग इधर चालू है, उधर नीतीश भैया का पैकिंग चालू है, इधर अपना पैकिंग चालू है। बस पैनियर में सामान भरना और छोड़ देना कल, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से मनाली के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक फन वेरी सीरियसली।